तो इसमें लोग बात करने वाले किस तरह से जो कि आपका यहाँ पर पीडीएफ होता है उसमें आप एडिट करके न्यू इमेज को ऐड कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, जो कि आपका इमेज होता है उसे आप यहाँ पर पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर परेशान हो जाते हैं पीडीएफ कैसे बनता है और पीडीएफ किस तरह से आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो कि टेक्स्ट होता है या फिर इमेजेज होती है उसको आप यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक डॉक्यूमेंट बना करके उसे सेव करके रख सकते हैं बहुत सारे इमेजेस को एक साथ में। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में कौन सा यहाँ पर मेथड है जिसको यूज़ करके आप यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो कि आपका इमेज का क्वालिटी होता है वो अभी लूज नहीं होगा, यानी कि क्वालिटी आपको यहाँ पर बेटर से बेटर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर लाइव प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं किस तरह से जो कि आपका यहाँ पर पीडीएफ होता है उसमें से किसी इमेज को आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं या फिर मान लीजिए एडिट करना चाहते हो या फिर मान लीजिए न्यू पीडीएफ आप क्रिएट करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा मेथड है, उन सभी के बारे में लोग चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से आपको पीडीएफ को बनाना है और किस तरह से आप पीडीएफ में जो भी पेजेस होते हैं उसको एडिट कर सकते हैं। सिंपली आपको ब्राउजर खोल करके यहाँ पर टाइप करना होगा पीडीएफ एडिटर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा आपको वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सिंपली आप यहाँ पर यदि मान लीजिए किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो उसमें ऐड प्रचार वगैरह वगैरह चलता है, तो सिंपली आपको ilovepdf.com करके एक वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह से। तो सिंपली इसको आपको ओपन कर लेना होगा और ओपन करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर पर देख सकते हैं आपको लेफ्ट साइड में एक रेंज का बटन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पेज के रिमूव कर सकते हैं जो भी आपका पीडीएफ फाइल है। यदि मान लीजिए आप उसमें बाय मिस्टेक किसी और यहाँ पर इमेज को ऐड कर दें उसको निकालना चाहते हैं तो सिंपली इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट पेज आप पेज भी और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीडीएफ को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं और एक अलग से यदि मान लीजिए दो पीडीएफ आपके पास तो सिंपली दोनों पीडीएफ को मर्ज करके आप यह सिंगल पीडीएफ बना सकते हैं कुछ इस तरह से। और स्कैन टू पीडीएफ, यदि मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी भी फोटो को यहाँ पर डायरेक्टली स्कैन करके उसका पीडीएफ कन्वर्ट में आप यहाँ पर बना लेंगे फाइल। तो सिंपली बात करते हैं किस तरह से आप पीडीएफ को एडिट करना, सिंपली फाइल को आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से सेलेक्ट फाइल क्लिक करके उसके बाद सिंपली फाइल को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से आपको एडिट करना है। जी हाँ दोस्तों, सिंपली इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद एक डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं क्योंकि अभी अपलोड हो रहा था और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है यह डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी डॉक्यूमेंट आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा कुछ इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पर जूम इन जूम आउट कुछ इस तरह से करते हैं इस डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर तीन पेजेज है और यदि मान लीजिए इसमें से आप जो कि पेज होता है उसको रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव पेज पर क्लिक करना होगा, दोबारा से उसी पीडीएफ को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके एडिट करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा, जिस भी पेज को आप रिमूव करना चाहते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा रिमूव पेज। यहाँ दोस्तों, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर वह पेज रिमूव हो जाएगा और पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि आपका यहाँ पर यह पीडीएफ होता है दोबारा से डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो कि पीडीएफ होता है उसे आप एडिट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आई लव पीडीएफ भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंपली कुछ इस तरह से ये वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना होगा, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर पीडीएफ में जो कि आपका इमेज होता है उसको यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर लिखना होगा पीडीएफ इमेज कन्वर्टर या फिर मान लीजिए आप पीडीएफ लिख सकते हैं जेपीजी कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद सिंपली आपको सर्च कर देना होगा, जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट में यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, नीचे की तरफ जाएंगे आई लव पीडीएफ करके ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी सेलेक्ट आपको पीडीएफ करके ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो पीडीएफ को सेलेक्ट करने के बाद जो कि आपका यहाँ पर पीडीएफ में इमेज होता है सिंपली उसे आप यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा और इसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, और इसके अलावा जो कि आपका इमेज होता है उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए देख सकते हैं अभी डाउनलोड हो चुका है। तो सर्च करना होगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा जेपीजी टू पीडीएफ, तो इसमें आपको जो कि इमेज होता है उसको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जिस भी इमेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वह सभी यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर दो तीन इमेज को वैसे ही रेंडमली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा दे रहे हैं,
तो यहाँ पर सेलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इमेज शो हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप जिस भी यहाँ पर इमेज को निकालना चाहते हैं आप निकाल भी सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह जो कि इमेज आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया सिंपली ये पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप जो कि आपका इमेज होता है उसको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि पीडीएफ फॉर्मेट में है तो उसको भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि किसी इमेज को आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं पीडीएफ में से, तो वह भी कर सकते हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे कौन सा यहाँ पर मेथड है, किस तरह से जो कि आपका यहाँ पर इमेज होता है इमेज को आप यूज करके किसी पीडीएफ को यहाँ पर बना सकते हैं और किसी पीडीएफ को एडिट करके किस तरह से उसमें न्यू इमेज को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में आप जान गए होंगे। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।